जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चीन से अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। विवादित बयान देने के लिए जाने पहचाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर भी करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाया, उन्हें गुजरात घुमाया, झूला झुलाया और चेन्नई लेकर गए, खाना खिलाया। अब्दुल्ला ने चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि चीन कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने से नाराज था। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि उनके दम से हम कश्मीर में फिर से 370 रिस्टोर कर सकें। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। फारूक अब्दुल्ला के बयान से बीजेपी बुरी तरह तिलमिला गई है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निंदनीय है कि देश का एक सिटिंग सांसद देश विरोधी बातें कर रहा है। वो बातें कर रहा है उस देश के साथ मिलने की, जिसके खिलाफ देश के जवान सरहद पर मुस्तैदी से डटे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान देशद्रोही बयान है। आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु ये कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। जेडीयू कार्यालय से सीएम नीतीश ने वर्चुअल रैली के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न्याय के साथ विकास है, विकास हर तबके और हर इलाके तक पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हमने कोरोना काल में जनता की मदद करने के लिए हर तरह की व्यवस्था की। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के सुरक्षाकर्मी बलविंदर की पगड़ी के अपमान का मामला अब तूल पकड़ रहा है। उधर बलविंदर को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, मगर इधर हावड़ा में मनजिंदर सिरसा ने सिख के अपमान पर शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, पगड़ी के अपमान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी, मगर अब तक ना तो सीएम ने और ना ही मुख्य सचिव ने किसी तरह की रिपोर्ट सौंपी है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि ममता बनर्जी का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब के होशियारपुर में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। अश्विनी शर्मा जालंधर से पठानकोट जा रहे थे। रात करीब 8 बजे गोशियारपुर के टांडा चलांग टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अश्विनी शर्मा पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने अश्विनी शर्मा के कार के शीशे तोड़ डाले। हमले के बाद अश्विनी शर्मा ने टांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमला हुआ है उससे लगता है कि हमला पहले से प्लान था और सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ।